अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट होमोफोन्स, दैट व्हाट इज होमोफोन्स। बेसिकली जो वर्ड होमोफोन्स है तो वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज होमो एंड सेकंड वन इज फोन। होमो का मतलब है सेम एंड फोन्स मीन्स साउंड, फोनिक्स। मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम है बट वो टू डिफरेंट वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर में रेड रेड, लेकिन ये जो रेड है इसकी स्पेलिंग इस रेड से डिफरेंट है और इसकी जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। इट मीन्स पढ़ना, रीडिंग। इट मीन्स कलर्स। सो बेसिकली होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनका साउंड सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग अलोंग विद डिफरेंट स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द पिक्चर, अगर आप इस वीडियो में इन तस्वीरों को देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पिक्चर की जिसमें बहुत सारे शीप्स हैं और यहाँ पर लिखा हैव यू हर्ड अबाउट योर हर्ड। तो ये होमोफोन्स है, मतलब कि हर्ड जो पहला हर्ड है HEARD, इसका और दूसरे हर्ड का साउंड सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। जो फर्स्ट हर्ड है इट मीन्स सुना एंड द सेकेंड हर्ड ये कलेक्शन होता है कैटल का, मतलब मवेशी के जो कलेक्शन होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे हम कहते हैं हर्ड। सो बेसिकली इन दोनों का साउंड तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग अलॉन्ग विद डिफरेंट स्पेलिंग। सो इन्हें हम कहते हैं होमोफोन। सेकेंड पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है एट एंड देन यहाँ पे भी वर्ड है एट, बट इसकी स्पेलिंग इस एट से डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। ये नंबर है एंड दिस इज अ वर्ब एंड एक्शन खाना एंड दैट इज अ डिजिट फिगर नंबर। सो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। वन मोर एग्जाम्पल टू मेक इट ईजी फॉर यू टू लर्न अबाउट होमोफोन्स, लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे है एक वर्ड हेयर एंड हेयर इज ऑल्सो हेयर। इस हेयर का मतलब इस हेयर से डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है बट दोनों का जो साउंड है दैट इज सिमिलर। अब ये जो हेयर है इसका मतलब होता है बाल एंड दैट इज कॉल्ड खरगोश, अ रैबिट, बट दे आर साउंड सेम। सो इनको हम कहते हैं होमोफोन्स। अगर आप यहाँ सेकंड पिक्चर में देखें तो फियर फियर, बट ये एक फ्रूट है एंड दैट इज अ शूज। सो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। इस पिक्चर में आपको और एलैबोरेट करके बताते हैं दैट व्हाट इज होमोफोन्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेयर मतलब पुराना, बूढ़ा, एंड दिस बेयर इज कॉल्ड भालू। सो दोनों की मीनिंग्स डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन इनके जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इनको हम दूसरे अल्फाज में पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। सेम विद दिस बोट, बोट, सेम विद दिस बीच एंड बीच, सेम विद दिस बी एंड बी। यहाँ अब अगर आप देखें तो इसे कहते हैं बीन मतलब के मटर के दाने और इसे कहते हैं बीन मतलब के मैं वहाँ पे रुका। आई हैव नेवर बीन टू जापान, मैं कभी जापान नहीं गया। ब्लू मतलब के रंग एंड ब्लू मतलब के शी ब्लू ऑन टू हर कॉफी टू कूल इट डाउन मतलब के हवा भरना या फूंक मारना। सो इनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं बट इनके जो साउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, इस वजह से हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं होमोफोन्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी जूनियर इंग्लिश की एक्सरसाइज होमोफोन्स, विच इज ऑन पेज नंबर 22। जस्ट लुक एट हेयर, सबसे पहले आपने इन होमोफोन्स को पढ़ना है जो यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है एयर एंड हेयर, इसे भी हम एच साइलेंट रखी एयर ही कहते हैं। अब इस एयर का मतलब है कि जो हम सांस लेते हैं और इस हेयर का मतलब है कि वन एंटाइटल टू अ डेड पर्सन्स प्रॉपर्टी मतलब कि किसी मरे हुए शख्स की जायदाद। और यहाँ पे है अलाउड मतलब किसी को परमिशन देना, अलाउड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना। दैट सेकेंड है बीच मतलब के जो साहिल समंदर है एंड दैट इज़ बीच मतलब के एक दरख्त का नाम है।
यहाँ पे है बॉय मतलब कि एक मेल चाइल्ड, और ये जो बॉय है इसका मतलब होता है अ फ्लोटिंग मार्कर फॉर शिप्स, मतलब कि एक शिप्स के लिए जो फ्लोटिंग मार्कर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं बॉय। यहाँ पे है ब्रेक मतलब कि एक जब हम साइकिल चलाते हैं जो ब्रेक लगाते हैं दैट ये वो वाला ब्रेक है, और ये वाला जो ब्रेक है इट मीन्स किसी चीज़ को तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ जो वर्ड है सीरियल, इसका मतलब है दलिया, जो हम अपने गंदम या बाकी जितने भी ओट्स वगैरह का जो दलिया होता है उसे बनाते हैं। और ये जो सीरियल है इट मीन्स कोई स्टोरी, कोई फिल्म एक्सेट्रा। ये जो चेक है मतलब कि किसी को चेक करना या किसी को स्टॉप करना। और ये जो चेक है दैट इज अ बैंक में जो हम मनी को ट्रांजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट पेपर ऑफ पीस इज कॉल्ड चेक। And this course is called rough, and this course is called a track, मतलब कोई onward movement जहाँ पे हो रही हो। और ये current जो है ये एक dried grapes होते हैं, and that current is called flow of water, कोई लहर आना etc. ये जो foul foul है it means कोई foul करना, जैसे हम boys cricket football play करते हैं और वो जो ball हम net से touch करते हैं that is called foul। और ये जो foul है ये एक bird का नाम है। so ये सारे pair of words हैं जो आपने पढ़ने हैं और अपनी exercise number A और B को solve करना है। solve करते हैं हम अपनी exercise number A। आपने इन दोनों पेयर ऑफ वर्ड में से जो सही पेयर है, जो सही होमोफोन है वो यहाँ पे पुट करना है। कॉर्नफ्लेक्स आर हिज फेवरेट सीरियल और सीरियल। अब कॉर्नफ्लेक्स आपको पता है क्या होता है, जो हम दलिया बना के खाते हैं, तो उसके लिए आपने कौन सा सीरियल यूज़ करना है। अभी हमने पीछे पढ़ा है हम ये वाला सीरियल यूज़ करेंगे। सेम बंस आर डिलीशियस, दीज डैश बंस आर डिलीशियस, तो हम यहाँ ये वाला करंट यूज़ करेंगे जो ड्राइड फ्रूट से बनता है। इसी तरह से किक करना मतलब कि कोई गोल कीपर से रिलेटेड है तो मीन्स कि ये फाउल होगा क्योंकि फुटबॉल से यही आएगा। देन यहाँ पे है प्रिंस चार्ल्स इज डैश टू द थ्रोन, मतलब कि प्रिंस चार्ल्स जो है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो हम यहाँ पे ये वाला हेयर यूज़ करेंगे। सिमिलरली आपने अपने इस सेंटेंस को भी आपने इसे अच्छे से पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर बी है राइट 5 पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज करके, और आपने वो पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ से पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है डैड पेड बाय डैश फॉर हिज न्यू डैश सूट। अब आपको पता है कि चेक वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सो सूट के साथ तो ये वाला चेक आ गया। अब जो दूसरा चेक है वो ये यहाँ पे आ जाएगा, पे करना मतलब मनी पे करना। इसी तरह से आपने अपने बाकी सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है। Thank you for watching our video. If you find this video informative, so please subscribe our channel and press the bell icon.